वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं आपके लिए कबीर दास जी का 50वां दोहे का एपिसोड लेके आई हूँ, और इसके बाद हम इस कबीर दास जी के टॉपिक को थोड़ा चेंज करके किसी और ग्रंथ या किसी और लेखक या कबीर दास जी जैसे संत की तरफ आगे अग्रसर होंगे, और फिर हम वापस ज़रूर आएंगे कभी ना कभी कबीर दास जी के दोहे पे। तो आज मैंने इस एपिसोड को खास बनाने के लिए ये वाला दोहा चुना है। जो गुरु बसे बनारसी शी समुद्र तीर, एक पलक बिखरे नहीं जो गुण होए शरीर। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि यदि गुरु बनारस में और शीश यानी कि शिष्य जो उनका स्टूडेंट है, अगर वो समुद्र में बसता है, यानी कि अगर दोनों दूर दूर भी बसे हैं, पर यदि उस गुरु का ज्ञान उसके हृदय में बसता है, शिष्य के अंदर बसता है, तो वो कभी अपने गुरु से दूर नहीं हो सकता। कबीर दास जी इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने गुरु के संपर्क में रहना चाहिए। अब मैं आप सबसे इस कबीर दास जी के एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सबको अपने जीवन का या स्कूलिंग का पहले गुरु का नाम, पहले टीचर का नाम याद है? यानी मुझे तो है, आपको हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कबीर दास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट इमेजिन इफ अ टीचर रिसाइड्स इन बनारस अ सिटी इन नॉर्थ इंडिया एंड द स्टूडेंट ऑफ दैट टीचर रिसाइड्स समवेयर इन द साउथ सदर्न इंडिया नियर इन द सीज और इन सम आइलैंड। So, both are very far away, but if the knowledge given by the teacher to the student and he, the student, keeps it memorized, the student will never be far away from the teacher because the teacher would reside in his heart. Kabir Das Ji also wants to say that a student must always keep on remembering, recalling the teacher. The one who has given him knowledge, the one who has taught him a number of things to keep him towards the path of success. Here I would like to question, do you remember your very first school teacher? If you do remember, do write down his or her name in the comment section below. Also, this will be the last Kabir Das Ji ka Doha vlog for this season or for this particular time. We will come back to it some day or the other, but right now we should shift a bit to some other poet or some literature or something else, like some holy book or something. So keep be tuned to streamers and do watch next Thursday's vlog to get some really different content. With this I conclude. Dhanyavad.